अब आपकी चीज आती है कि अगर आपने फिक्स एसेट्स को टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे, या फिक्स एसेट्स रेशियो को आप कैसे निकालोगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है फिक्स एसेट्स के अंदर जो आपकी नेटवर्थ रेशियो को, आपकी वो निकालती है वैल्यूज़ को लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर। और उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चीज़ करनी पड़ती है, फिक्स एसेट्स को आप लेकर आओगे डेप्रिसिएशन के साथ। जो आपकी डेप्रिसिएशन निकलेगी फिक्स असेट्स ब्रैकेट में आपके आएगा आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड अपॉन में आपकी आएगी लॉन्ग टर्म फंड्स। ये चीज़ आपकी एक फॉर्मूला बन जाएगा फिक्स असेट्स रेशियो का। लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर आपकी वो क्या चीज़ कंसिस्ट करेगी शेयर होल्डर्स के फंड्स को, और उसी चीज़ का वो कैलकुलेट करेगी जिसके अंदर आपके डेब्ट इक्विटी रेशियो को वो प्लस में लेकर आपकी वो लॉन्ग टर्म तक वो बोरिंग्स आपकी चलती रहेंगी। और साथ ही साथ एग्जांपल के तौर पर इसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है, अगर कोई फिक्स एसेट्स रेशियो डेप्रिसिएशन के बाद आपकी वो वैल्यू 4 लाख रुपए में लेकर आती है, तब आपका वो चीज़ आपके वो फंड्स आपके लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। और जो लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर जो आपकी वैल्यू बैठेगी, अगर उसमें आप 5 लाख रुपए लेते हो तो उस चीज़ की आपकी परसेंटेज की फॉर्म में आपकी वो रेशियो निकालनी पड़ेगी। जैसे कि आपने फिक्स एसेट्स को आपने आफ्टर डेप्रिसिएशन के बाद आपने रिजल्ट ली 4 लाख, लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर आपने रिजल्ट ली 5 लाख। अगर आपका फिक्स एसेट्स रेशियो निकालना है वो भी परसेंटेज की फॉर्म में, तो आपको डिवाइड करके इन दोनों को कट करके और मल्टीप्लाई आपको करना होगा 100 से। मीन्स 4 लाख अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाई बाय साइड में 100, इनको कट करके आपकी वैल्यू निकल आएगी 80%। ये होता है एक फार्मूला फिक्स एसेट्स रेशियो को, अगर आप कैलकुलेट करके लॉन्ग टर्म में उसे लेके जाना चाहते हो उस फंड्स को, और फिक्स एसेट्स रेशियो आप कैसे निकालोगे। रेशियो को अगर आप फिक्स एसेट्स टू प्रॉपर्टीज फंड्स में लेकर आना चाहते हो तो कैसे करोगे, ये रेशियो आपकी कैलकुलेट होती है डिवाइड करने से, और वो भी आपके करंट एसेट्स के साथ, और वो करंट एसेट्स आपकी शेयर होल्डर से जुड़ते हैं, उन फंड्स के साथ आपकी वो जुड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी करंट एसेट्स आपकी 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख है अगर वो आपकी शेयर होल्डर फंड्स आपकी 4 लाख है, 4 लाख, तो आपको करंट एसेट्स निकालनी पड़ेगी उसको आपके प्रॉपर्टीज फंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। उसको करंट असेट्स आप कैसे निकालोगे, मीन्स परसेंटेज की फॉर्म में करंट असेट्स आपकी वैल्यू जितनी भी होगी अपॉन में शेयर होल्डर फंड्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी ये चीज़ बैठेगी। सपोज आपने वैल्यू ली थी करंट असेट्स की 2 लाख रुपए और शेयर होल्डर फंड्स आपके थे 4 लाख, तो आप इसको क्या करोगे परसेंटेज में निकालने के लिए, 2 लाख अपॉन 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, मीन्स 2 लाख अपॉन 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कटिंग करके इनको कट करके एक प्रॉपर इनका आंसर बन जाएगा 50%, वो कैलकुलेट हो जाएगा आपका और आंसर आपका आ जाएगा। अब आपकी एक चीज़ आती है डेब्ट सर्विस रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये चीज़ आपने कैसे निकालनी होती है। अगर आपको नेट इनकम डेब्ट रेशियो की अगर आपको लेकर आनी है, तब ये चीज़ें यूज होंगी एक टेस्ट के फॉर्म में, डेब्ट सर्विसिंग कैपेसिटी उसकी एक टेस्ट की फॉर्म में, उसको फॉर्म के अंदर वो चीज़ यूज होगी। और इस रेशियो को आप क्या कह सकते हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या कवरेज रेशियो, फिक्स चार्जेस कवर टाइम इंटरेस्ट अर्नड, ये सारी चीज़ें इसको आप टर्म दे सकते हो। क्या क्या टर्म दे सकते हो, कवरेज रेशियो, फिक्स चार्जेस कवर और टाइम इंटरेस्ट अर्नड, ये डेफिनेशंस आप उसको दे सकते हो, टर्म आप उसको दे सकते हो। और इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा और उसका फिर आंसर निकल आएगा। डेब्ट सर्विस रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज को निकालने के लिए आपकी वो वैल्यू किसके इक्वल बैठेगी, क्या फॉर्मूला लगेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो आपकी वैल्यूज़ नेट प्रॉफिट के साथ लगेगी इंटरेस्ट और टैक्स वैल्यूज़ के लगने से पहले जो वैल्यूज़ आपकी लगेगी वो होगी, अपॉन में इसके फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस लगेंगे। इलस्ट्रेशंस के तौर पर, मींस इलस्ट्रेशन एग्जांपल के तौर पर, अगर आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगने के बाद फर्म के अंदर आपकी 75,000 रुपीज़ होता है और उसके अंदर आपकी फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस लॉन्ग टर्म के लिए लगती है
बोरिंग्स उनके अंदर होती है और वो आपकी मनी किस वे में लगेगी आपकी 10,000, तब आपकी रेट ऑफ इनकम टैक्स भी कितनी होगी 50%। अब इस चीज़ को आपने कैलकुलेट करना है, इन सारी चीज़ों को आपके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगने के बाद जो भी आपकी इनकम बैठी है फर्म के अंदर 75,000, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस आपके जो लॉन्ग टर्म के अंदर लगे हैं बॉन्ड्स के अंदर मीन्स 10,000, और आपकी रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी लगी है 50%। अब आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आपको निकालना है मीन्स डेब्ट सर्विस रेशियो आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के साथ आपकी क्या चीज़ कैलकुलेट होगी ब्रैकेट्स में बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो आपकी वैल्यू लगी है बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स लगने से पहले जो आपकी वैल्यू लगी है वो, अपॉन में आप इसकी क्या चीज़ लेके आओगे फिक्स इंटरेस्ट प्लस चार्जेस, ये चीज़ आप लेकर आओगे मीन्स 75,000 प्लस 75,000 प्लस 10,000 अपॉन में आपकी क्या आएगा 10,000। अब इसको आप कैलकुलेट करो, पहले ऊपर की चीज़ों को आप प्लस में लेकर आओ 75,000 एंड 10,000 आप प्लस करो, और नीचे की वैल्यू आप वैसे ही रहने दो 10,000। कैलकुलेट करके ऊपर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1,60,000, लाइक 1,60,000 आपकी वो वैल्यू आ जाएगी अपॉन में इसका 10,000। अब इसको कैलकुलेट करो तो आपके क्या आंसर आ जाएगा, वो कितनी इंटरेस्ट कवरेज आपकी रेशियो बैठेगी 16 times। अगर आपको लाइबिलिटीज निकालनी है, एक एग्जांपल आप अपने आप ट्राई करो अगर करते हो तो आप कैसे करोगे, लाइबिलिटीज आपने ले ली 2,500 इक्विटी शेयर्स आपने ले लिए, वो सेम चीज़ पिछली आपकी रिपीट होगी 100 rupees ईच अकॉर्डिंग आपके शेयर्स वो बैठेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स आपने ले लिए 2,000 और आपकी वो कितने शेयर्स की ईच रुपीज़ में काउंटिंग बैठेगी 100 rupees ईच शेयर्स। रिजर्व्स आपने ले लिए, डिबेंचर्स आपने 9% लगा के 3,000 ले लिए ऑफ 10% ईच 100% सॉरी ईच, और करंट लाइबिलिटीज आपकी बैठेंगी 2,00,000। आपकी जो 2,500 इक्विटी शेयर्स आपने 100 के अकॉर्डिंग आपने पेड किए हैं लोगे आप, तो उसके अकॉर्डिंग आपके रुपीज़ में वो मनी कितनी बैठेगी 2,50,000 रुपये 2,50,000। जो आपने प्रेफरेंस शेयर्स आपने लगाए हैं 2,000 के अकॉर्डिंग, तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप पूरा कैलकुलेट करके आपके 2,00,000 रुपये बैठेंगे 2,00,000। रिजर्व्स आपने फिर से 2,00,000 लिए, डिबेंचर्स आपने 9% ऑफ लगाकर 3,000 के साथ आपने उसको 100 rupees ईच के अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेट किया, तो उसके आपकी कितने बचेगी 3,00,000 और करंट लाइबिलिटीज आपकी बैठेंगी 2,00,000। इन सबको आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट आप कैसे करोगे, इन सबका आप प्लस करोगे, प्लस करके आपकी कितनी बैठेगी 1,150,000 आपकी, ये कैलकुलेट करके आपकी करंट वैल्यूज आपकी आ जाएगी। साइड में इसके आप असेट्स लोगे, असेट्स में आप क्या लोगे, लैंड एंड बिल्डिंग्स सपोज आपने लिए हैं तो आपके कितने बैठेंगे 4,50,000। प्लांट एंड मशीनरी आपने कितनी ली है 4,00,000। स्टॉक एंड ट्रेड आपने 1,50,000। सन्ड्री डिबेटर्स आपने 1,00,000 लिए हैं। कैश एंड बैंक बैलेंसेस आपके 45,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने कितनी ली है, वो चीज़ आपको फिर सारा एंड में आके ये चीज़ सारी निकालनी पड़ेगी, कैश बैंक बैलेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस सन्ड्री डिबेटर्स स्टॉक एंड ट्रेड प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग्स। तो इन चीज़ों को आप फिर से रुपीज़ में आपने वैल्यू लगा दी, और इनको आप कैलकुलेट कैसे करोगे प्लस में करके, फिर वो सेम आंसर आ जाएगी 1,150,000 आपके ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट आपने क्या क्या चीज़ें की हैं, आपने सारी चीज़ें कैलकुलेट की हैं, आपने इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लैंड्स एंड बिल्डिंग्स, स्टॉक्स एंड ट्रेड, सन्ड्री डिबेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस की हैं यहाँ पर। अगर आपको इन टेबल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको पेपर में आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग सपोज पूछ लिया जाए कि आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला लग जाएगा सेम,
अगर आपका फंड कैपिटल टोटल कैपिटलाइजेशन में आपको लग जाएगा तो वो भी आपका आ जाएगा, टोटल करके आपका आंसर वो निकल आएगा, या आप अपॉन में करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। प्रॉपर्टी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, आपकी ये सारी की सारी वैल्यू इन चीज़ों से अकॉर्डिंग आपकी वो फॉर्मूलाज लगा कर लग जाएगी, आपकी वो वैल्यू निकल आएगी। अब आपका आता है कि इंटरप्रटेशन ऑफ इंटरेस्ट कवरेज आईसी रेशियो, मीन्स आईसी रेशियो आपकी क्या होगी, इंटरप्रटेशन ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपकी क्या चीज़ इंक्लूड करती है, एक नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट यूज़ करती है, जो किस चीज़ को दर्शाती है, आपके प्रॉफिट्स को दर्शाती है, जिसके अंदर आप इंटरेस्ट चार्जेस आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक ले सकते हो, इंटरेस्ट को उन चार्जेस को आप फर्म्स के अंदर लॉन्ग टर्म तक आप पे कर सकते हो, इनकी बॉरिंग्स आप कर सकते हो। और इसके अंदर जो फॉर्मूला लगता है वो आपकी क्या चीज़ होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, नेट प्रॉफिट जो आपका इंटरेस्ट लगने से पहले जो लगेगा वो, और अपॉन में इसके टोटल फिक्स चार्जेस आपके वो आएंगी। सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग अगर प्रेफरेंस डिवाइडेड कवरेज रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड, अगर कोई प्रेफरेंसेस शेयर्स इसके अंदर कैलकुलेट करते हो तो आप कैसे करोगे, उसको डिविडेंट करोगे, किससे करोगे, कवरेज रेशियो के साथ उसको डिविडेंट करोगे, और इसका एक वैल्यू लगेगा, प्रेफरेंस डिविडेंट कवरेज रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। अब इसके अंदर एक चीज़ डिफरेंस है, जब टोटल कवरेज और फिक्स चार्ज कवरेज आप निकालोगे उसके अंदर आपकी जो नेट प्रॉफिट की वैल्यू लगेगी वो आफ्टर बिफोर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, लेकिन इसके अंदर अगर आप डिविएंट करोगे इसको कवरेज रेशियो में उसमें, तो उसका जो फॉर्मूला लगेगा प्रेफरेंस डिविडेंट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की वैल्यू लगने के बाद आपके नेट प्रॉफिट में उसमें वो चीज़ लगेगी, अपॉन में इसके प्रेफरेंस डिविडेंट आएंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर कोई कंपनी अर्न करती है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ 12 लाख, अगर कोई कंपनी करंटली अर्निंग्स करती है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ 12 लाख, तो इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट बॉरिंग्स कितनी होंगी। अब उस प्रेजेंट बोरिंग्स को निकालने के लिए आप क्या करोगे, 11% टर्म लोन्स आप लोगे, वर्किंग कैपिटल्स आपकी वो हो जाएंगी 11% टर्म लोन्स वर्किंग कैपिटल्स, बोरिंग्स फ्रॉम बैंक एट 16%, पब्लिक डिपॉजिट आपकी कितनी होगी 12%, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज वो निकल आएंगी। तो कैसे निकल आएंगी वो आपकी, 40 लाख आपकी उस वो आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग 12 लाख के अकॉर्डिंग 11% लॉन्स के उसमें 16% आपने बॉरिंग्स ले ली बैंक से, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी 33 लाख, पब्लिक डिपॉजिट के अकॉर्डिंग आपकी एज अ 12% आपकी वो चीज़ लगी है, तो उसके रुपीज़ में आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 लाख। अगर सेल्स ऑफ कंपनी के ग्रोइंग के देखते हुए अगर आप देखते हो और कंपनी के पर्पज़ के उस चीज़ को आप गेन करना चाहते हो, उसे ऑब्टेन करना चाहते हो एज एन एडिशनल बोरिंग्स के थ्रू, तो उसकी अगर मनी लगती है तो 25 लाख आप लेकर चलो, तो इतनी अगर आपकी मनी लग जाती है 25 लाख, तो इंक्रीज करने के लिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उस चीज़ में इंक्रीजमेंट करने के लिए आपको एटलीस्ट 20% का एक्सपेक्टेशन आपको करना पड़ेगा, परसेंटेज की फॉर्म में आपको एक्सपेक्ट करके चलना पड़ेगा कि इतनी आपकी इंक्रीजमेंट हो सकती है बिफोर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के उसमें। अगर आपको इसमें कैलकुलेट भी करना पड़े तो आप क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट आपको चेंज लाना पड़ेगा कवरेज रेशियो में आफ्टर द एडिशनल बॉन्ड्स एंड कमिंग में। तो इसके लिए आपको क्या चीज़ लगी, 11% लॉन्ग टर्म इसके अंदर टर्म्स लोन्स लेंगे 40 लाख रुपीज़ की उसमें, 16% बैंक बोरिंग्स आपकी लगेगी ऑफ 33 लाख जो ऊपर आपकी डिजिट्स लगी हैं वो, 12% ऑन पब्लिक डिपॉजिट एज अ 50 लाख वो चीज़ आपकी नीचे आ जाएगी, टोटल इंटरेस्ट विल बी लाइक दिस। अब इन चीज़ को आप क्या करोगे, इन तीनों की चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 40 लाख को आप 11% के उसमें, आप परसेंटेज का होता है तो उसमें आपके अपॉन में या आपके चीज़ें लगती हैं, मींस परसेंटेज की फॉर्म में आपका वो आंसर निकलेगा, तो वो उस चीज़ में आप कैसे करोगे, 40 से 11% को अगर आप कन्वर्ट करते हो तो आपकी 4,40,000 रुपीज़ आपकी वो मनी उसमें रुपीज़ में काउंट हो जाएगी, 33 लाख के अकॉर्डिंग लगाकर 60% उसमें लगाकर, तो उस चीज़ की आपकी क्या चीज़ होगी, 5,28,000 आपकी वो चीज़ हो जाएगी,
15 लाख फिर पब्लिक डिपॉजिट्स में करके 12% के अकॉर्डिंग, तो उस चीज़ की आपकी 1,80,000 रुपीज़ हो जाएगी। अब इन तीनों चीज़ों के आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने के लिए आप क्या चीज़ करोगे, इन तीनों का प्लस करोगे। इन तीनों को अगर आप प्लस करते हो, 440 लाख, 5,28,000, 1,80,000 रुपीज़, इन तीनों को अगर आप प्लस करते हो तो आपकी वो डिजिट्स कितनी बैठेंगी, 11,48,000। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को आप निकालने के लिए अब फिर से वही फार्मूला आप पुट करोगे। क्या फार्मूला पुट करोगे, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, EBIT मीन्स अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन में इसके क्या चीज़ लिखे होंगे, टोटल इंटरेस्ट लाइबिलिटीज आपकी जितनी लगी है, मीन्स आपकी 12 लाख, ठीक है, और अपॉन में इसकी आप जो आपने टोटल वैल्यू निकाली है तीनों को ऐड करके, 12 लाख आपकी वो जो आपकी थी करंटली अर्निंग्स निकालोगे, जो भी आपकी वैल्यू थी 12 लाख वो, और इसका आपका जो टोटल इंटरेस्ट लिखा है अपॉन में वो चीज़ आ जाएगी, मीन्स 11,48,000 वो चीज़ आ जाएगी। इसको कट करके आपकी कितनी बैठ जाएंगी, 1.045 टाइम्स ये चीज़ इसकी आ जाएगी। अगर आपने आफ्टर इंडिविजुअल बोरिंग्स की करनी है, सपोज 25 लाख की आपने एडिशनल बोरिंग्स की, उसके अकॉर्डिंग आपकी एडिशनल वैल्यूज इंटरेस्ट आपको निकालना है लाइबिलिटीज में उसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 25 लाख को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, क्योंकि वो 16 के अकॉर्डिंग बैठे, और अपॉन में इसके 100, तो कट करके इसका आंसर आ जाएगा आपका 4 लाख। देन टोटल इंटरेस्ट लाइबिलिटीज विल भी आपकी कितनी हो जाएंगी, आपको प्लस करना पड़ेगा 11,48,000 को प्लस करोगे किसमें, 4 लाख में, तो आपके 15,48,000 इसमें वो डिजिट्स आपकी आंसर के फॉर्म में इसकी वो आ जाएगी। और अब इसके अंदर एंड में आके क्या चीज़ आती है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल बी इंक्रीज बाय 20%। अगर इसके अंदर अर्निंग्स आपकी होती है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लगने से पहले, जो आपकी अर्निंग्स होती है वो इंक्रीजमेंट किसकी फॉर्म में, अगर आप इंक्रीज होते हैं 20% के उसमें, तो आपकी वैल्यू क्या निकलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, वो किसके इक्वल बैठेगी, 12 लाख 4 लाख प्लस 20% ऑफ रुपीज 12 लाख, तो इक्वल टू, फिर से आपने अगर ली है 12 लाख प्लस 2,40,000, 2,40,000 इक्वल टू कितने बैठेंगी, 14,40,000 के अकॉर्डिंग वो वैल्यू आपकी निकल आएगी। न्यू कवरेज रेशियो इंटरेस्ट का आपने अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, जो आपकी वैल्यू निकली है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स के उसमें, अगर जो आपकी वैल्यू निकली है वो कितनी निकली थी आपकी, कैलकुलेट करके प्लस करके 12 लाख को और 2,40,000 को कैलकुलेट करके कितनी निकली थी आपकी, 14,40,000, उसको आप नेट न्यू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को निकालने के लिए आप क्या करोगे, उस वैल्यू को जो आपकी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में निकली है 14,40,000 वो, 14,40,000 वो, अपॉन में आप 15,48,000 को लेकर आओगे, ये आपका वैल्यू लग जाएगी। इसको आप कटिंग करके जो आपकी आंसर निकलेगा वो होगा, पॉइंटों में आपका निकलेगा 0.93 टाइम्स की आपकी वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आपका वो, इतना समय उसने लिया है, वो चीज़ आपके इसके अंदर आ जाएगी।